हेलो एवरीवन, बहुत बहुत स्वागत है। प्रेगनेंसी में कौन कौन सी दवाइयाँ आपको यूज नहीं करनी चाहिए या फिर यूज करनी चाहिए तो आपको डॉक्टरनी को ही दिखा के अपनी यूज करनी चाहिए। ड्यूरिंग प्रेगनेंसी हम देखते हैं बहुत कॉमन सी चीजें सामने आती हैं, जैसे पेशेंट को वॉमिटिंग होना, वो भी फर्स्ट प्रेगनेंसी में। इस तरह के सिम्टम्स ज्यादा देखने को मिलते हैं कि शुरू के 3 मंथ्स में पेशेंट को वॉमिटिंग, नोजेट सेंसेशन, खाने को देख के उल्टी आना, क्रैम्पिंग होना, पेट में दर्द होना और कई बार और भी सिम्टम्स बॉडी में आ सकते हैं कि दर्द रहना। तो इन सारे सिस्टम जब आते हैं, दर्द होना या उल्टियां होना, तो इसमें सभी को मालूम है कि भाई होम्योपैथी दवाइयां सेफ हैं, एलोपैथिक हम नहीं खाएंगे। तो होम्योपैथी में भी कुछ दवाइयां ऐसी जो कि सेफ नहीं है, वो आगे जाके कॉम्प्लिकेशन कर सकती हैं पेशेंट को। कॉम्प्लिकेशन में भी है कि जो कुछ मेडिसिन ऐसी है स्ट्रांग है कि वो अबॉर्ट कर सकती, ठीक है, अबॉर्शन पेशेंट को कर सकती है। तो इसमें आपको क्या करना चाहिए, कुछ दवाइयों के मैं नाम बताऊंगा, वो मेडिसिन आपको यूज नहीं करनी है। देखा जाए तो मदर टिंचर फॉर्म में तो बिल्कुल भी यूज नहीं करनी चाहिए इस तरह की जो दवाइयां हैं, वरना वो क्रैम्पिंग क्रिएट करती हैं यूट्रस के अंदर, जो बच्चेदानी उसके अंदर क्रैम्पिंग करती हैं और उससे आपको थोड़ी बहुत समस्याएं हो सकती हैं। तो जैसे आप देखेंगे इपिका एक बहुत कॉमन मेडिसिन है, ये प्रिवेंटिव मेडिसिन भी है, लेकिन आपको अच्छी डोज लेनी होगी, वो भी डॉक्टर को दिखा के डोज लेनी होगी। ऐसा नहीं करना कि इपिका किसी ने आपको बता दी कि ये बहुत अच्छी मेडिसिन है, अगर जिसको नोजेट सेंसेशन रहती है उसको ये मेडिसिन दी जाएगी तो ठीक हो जाएंगे। कुछ पेशेंट इसको मदर टिंचर में यूज करते हैं तो बहुत सीरियस कंडीशन आपकी हो सकती है, ऐसे बिल्कुल भी नहीं करना है। नक्सभूमि का एक बहुत अच्छी मेडिसिन है, बेलाडोना मेडिसिन है, या फिर पल्सिटिला है, या फिर कोलोफाइलम है, इस तरह की मेडिसिन है, या फिर इस तरह के मदर टिंचर है जो कि आपको प्रेगनेंसी में 2 बूंद भी नहीं पीने चाहिए। जैसे सीकल कोर एक होम्योपैथी मेडिसिन आती है, कोई अगर आपको लगता है कि भाई हमारे यूट्रस में दर्द है, बच्चेदानी में दर्द हो रहा है, आपने कहीं पे देख लिया यूट्यूब पे या फिर सोशल मीडिया पे गूगल कर लिया, आप देखेंगे सीकल कोर बहुत अच्छी मेडिसिन है, आपको जानकारी नहीं है, आपने उसका मदर टिंचर ले लिया और आप उसको डाल के पीने लगे, बहुत बड़ी गलती है ये, बहुत बड़े आपको इससे नुकसान हो सकते हैं। इसी तरीके से सवाइन एक होम्योपैथिक मेडिसिन है और क्यूप्रम मेटेलिकम मेडिसिन है, ये सारी जो मेडिसिन से बहुत नुकसान दे सकती है। तो कहने का मतलब ये है कि आपको कोई भी मेडिसिन लेनी है नजदीकी होम्योपैथी डॉक्टर से लीजिए। ड्यूरिंग प्रेगनेंसी आपको कोई भी सेल्फ मेडिकेशन नहीं करना चाहिए। इसी तरीके से एलोपैथिक में कोई आप स्ट्रॉन्ग पेन किलर खाते हैं, डॉक्टर साहब मुझे तो माइग्रेन का दर्द हो रहा है, जब से मुझे प्रेगनेंसी ठहरी है मुझे माइग्रेन का दर्द रहता है, सिर में बहुत भयंकर दर्द होता है, तो ऐसे में तो आपको बहुत सोच समझ के मेडिसिन लेनी चाहिए। ऐसे नहीं कि आपको डेली कॉम्बिफ्लेम आप खा रहे हैं। बाकी कुछ महिलाओं में अगर कफ कोल्ड फीवर वाली समस्याएं होती हैं तो वो स्ट्रॉन्ग स्ट्रॉन्ग एंटीबायोटिक्स खाते हैं, या फिर डॉक्टर ने भी कई बार बहुत स्ट्रॉन्ग मेडिसिन देती है, तो इन सारी चीजों को ध्यान देना चाहिए। इतनी स्ट्रॉन्ग मेडिसिन स्टेरॉइड्स वगैरह यूज नहीं करने चाहिए, अदरवाइज उनसे समस्याएं बढ़ सकती हैं। और एक चीज और मैं आपको बताता हूँ, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी आप देखेंगे आपकी जब बहुत सारी जांच कराई जाती है, बॉडी में बदलाव होते हैं ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, उस समय वो देखेंगे उनकी जो प्रेगनेंसी के समय पे लीवर की जांच कराई जाती है तो एसजीपीटी एसजीओटी बढ़ जाता है। तो मेरे पास इतने सारे कमेंट्स आते हैं कि डॉक्टर साहब हमें ड्यूरिंग प्रेगनेंसी में इतना एसजीपीटी है और इतना एसजीओटी, हमें क्या करना चाहिए। तो सबसे पहले मैं बोलता हूँ आप सभी लोगों को और निवेदन करता हूँ कि ड्यूरिंग प्रेगनेंसी आपको डॉक्टर ने के टच में ही रहना है, जो भी वो मेडिसिन आपको दें, हल्की मेडिसिन भारी मेडिसिन, उन्हीं के टच में आपको रहना है। आप सोशल मीडिया पे यूट्यूब पे देखे कोई भी मेडिसिन, सेल्फ मेडिकेशन तो आपको करना ही नहीं है। जो भी आपकी समस्या है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, चाहे वो सूखी खुजली की है कि इचिंग है, कुछ बीमारियां ऐसी होती हैं ड्यूरिंग प्रेगनेंसी कि वो बाद में ठीक हो जाती है। तो सूखी खुजली हम बहुत दवाइयां हमने कर ली हैं प्रेगनेंसी में और बिल्कुल फायदा नहीं हुआ है। तो देखा जाए तो कुछ पेशेंट में नेचुरली होता है कि वेट बढ़ा है, सूजन आई है थोड़ी सी, या फिर इचिंग हुई है, वो आफ्टर डिलीवरी सारी चीजें ठीक हो जाती है। तो बस इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए जिससे लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी प्रोवाइड हो सके और सही जानकारी प्रोवाइड हो सके। थैंक यू सो मच, नमस्कार।